हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास सेवन्थ का ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं बोर्ड पे। कल मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फोर का एक पार्ट कराया था, आज मैं इसका एक दो पार्ट और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है मेरे पास, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कल मैंने आपसे ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसका LHS पार्ट लेते हैं पहले हम। LHS पार्ट है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, और इसमें अगर x की वैल्यू देखेंगे, मैं इसका ना थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपको दिया है x इज इक्वल टू है 3/4, और y की वैल्यू है मेरे पास इसमें माइनस का 6/9 प्लस और 2/10, ठीक है। उसके बाद 3/4 प्लस 9 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 9 और 10 का सीधे सीधे आपके पास एलसीएम आ जाएगा कितना, 90, क्योंकि दोनों का एक ऐसा नंबर सोच लीजिए जो इनके टेबल में आता हो, तो 90 आता है। 9 के टेबल में 90 कितनी बार जाएगा, 9 के टेबल में 90 जाएगा 10 टाइम्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 10 6 60 प्लस, और 10 के टेबल में 90 जाएगा कितने बार, 9 बार, इसको भी 9 से, 9 2 18, तो 3/4 प्लस 60 में से 18 को अगर आप माइनस करें तो बचेगा कितना, वो माइनस का, देखो एक चीज़, हाँ एक स्टूडेंट्स का इसमें डाउट था कि इसमें साइन कैसा लगेगा। देखो जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन क्या लगेगा बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे बड़ा 60 है तो साइन इसका क्या है, माइनस, तो यहाँ पे साइन आप लगाओगे माइनस। जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो माइनस, इस वजह से मैंने उसको माइनस लगाया था वहाँ पर, ठीक है। 60 में से आप इसको हटाओगे तो ये बचेगा 42/90 हो जाएगा। देन इसके बाद इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 40/90, और इसके बाद हम इसको आगे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करा जाए या इसी को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 90 का कितना आएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 से 90 नहीं जाएगा, या 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे 2 2 2 से करेंगे तो 42 टाइम्स हो जाएगा। देन इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 2 फिर 45 नहीं आता तो 3 से कर लीजिए, 3 से 3 1 3 5 जा, और देन फिर आगे 15 से ही कर लेते हैं, 15 3 जा 45 का दोगुना 90 को 2 से करोगे 180, तो 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 के टेबल में 180 कितनी बार जाएगा, 4 के टेबल में 180 जाएगा 45 टाइम्स, तो 45 से यहाँ भी, 45 से यहाँ भी, तो 45 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास 135 माइनस 90 के टेबल में 2 बार, तो 2 से यहाँ भी करोगे यहाँ भी, तो 42 का दुगना हो जाएगा 84, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 जाएगा तो 551/180। इसके बाद आप चाहो तो इसे 3 के टेबल से कैंसिल कर लो, 3 1 3 बचेगा 2 यहाँ पे, तो 3 7 हो जाएगा कितना 21/ में हो जाएगा 3 6 18 0, तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ गया मेरा 17/ कितना 60, ठीक है। तो इसका LHS जो मतलब पूरा LHS पार्ट है वो 17/60 आ रहा है। अब हमें सॉल्व करना है इसका RHS पार्ट, RHS पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। RHS अगर देखेंगे, RHS में है हमारे पास x, x प्लस वाई है, पहले x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 है, फिर प्लस y की वैल्यू है माइनस का 6/9 है, और फिर z की वैल्यू है आपके पास 2/10। सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 होता है, तो 4 के टेबल में 36 चेक करेंगे कितनी बार आएगा, 4 9 जा 36, तो 9 3 जा आपका 27 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 के टेबल में 36 जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 से यहाँ भी 6 4 जा 24, फिर प्लस 2/10, 2/10 आपका ऐसे ही आ जाएगा, माइनस करेंगे 27, यहाँ पे देखो ना बड़ा है, प्लस का साइन है इसके आगे कुछ नहीं है, तो 27 में से 4 गया 3/36 और प्लस 2/10। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो इसका इन दोनों का एलसीएम आने वाला है कितना 180, जैसे उसमें आया था, तो 36 के टेबल में 5 टाइम्स आएगा, 5 से यहाँ भी 5 से यहाँ भी, 5 3 जा 15
और यहाँ पर हो जाएगा 10 के टेबल में 18 टाइम्स, तो 18 से यहाँ भी और यहाँ भी, और ये 18 टू जा हो जाएगा 36, ऐड करोगे तो 51 अपॉन 180 सेम आ रहा है उसकी तरह। फिर इसके बाद इसको 3 से कैंसिल कर लो, 3 से वही 3 बन जा, 3 7 जा 21 और नीचे हो जाएगा कितना 36 जा और 0, तो यानी कि 17 अपॉन कितना हो जाएगा आंसर मेरा 17 अपॉन 60, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। आप इसके क्वेश्चन इस तरह से और ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5th पे बात करते हैं, देखेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th है इसी वर्कशीट 1 का सिंप्लीफाई। इसमें आपको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है माइनस का 3 अपॉन 10, फिर सेकंड है प्लस 12 अपॉन माइनस का 10, फिर उसके बाद है प्लस 14 अपॉन 10, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद है माइनस का 3/10। आप ना इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसमें 8 नंबर आए चाहे 10 आए, कितने भी नंबर आए, इनमें हमेशा आपको एलसीएम लेना है। तो डायरेक्ट आपको कल मैंने बताया था कल के वीडियो में कि अगर आपके पास नीचे नंबर सेम है तो सीधे डायरेक्ट वही एलसीएम हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 वन जा 10, तो 1 से यहाँ भी और 1 से यहाँ भी 3, फिर प्लस माइनस ये नीचे वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 10 वन जा 10, तो 1 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, फिर प्लस 10 वन जा 10, तो ये 1 हो जाएगा 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, पहले सेम साइन को ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 3 माइनस का 15 प्लस का 14 ऐसे ही रखो, नीचे 10, फिर उसके बाद 15 में से 14 माइनस करोगे तो 1 अपॉन 10। अब जैसे कल डाउट पूछा था ना कि माइनस क्यों आया, 15 बड़ा है तो 15 में से 14 करोगे तो 1 आएगा, और बड़ा साइन 15 का है, 15 इसलिए माइनस। हमेशा कभी भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, इसलिए 15 का साइन माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इसका सेकंड पार्ट है माइनस का 5 अपॉन 10, फिर उसके बाद है प्लस 6 अपॉन 13 प्लस 8 अपॉन 1। इसका अगर मैं अब नीचे नंबर अलग अलग है तो इनके एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम हमारे पास 13 और 10, ये प्राइम नंबर है तो इसलिए 30 की 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 130 एलसीएम आ जाएगा, 130 जब एलसीएम आ जाएगा तो 10 के टेबल में 130 कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स, तो 13 फाइव जा माइनस 65, फिर प्लस 13 के टेबल में ये भी 10 टाइम्स, और 10 सिक्स जा 60, और फिर प्लस 1 के टेबल में 130 टाइम्स आएगा, तो 130 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 130 की करेंगे इससे कितनी बार जाएगा, 13 एट जा 13 सेवन जा 91 1040, सही है इतना। इसमें पहले प्लस की वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ये दोनों प्लस प्लस होंगे, प्लस प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का 65 प्लस 1100, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1100 अपॉन में 130, देन उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास 1135 अपॉन में 1035 अपॉन में 130, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चाहें तो आप इसे 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, थर्ड में हमारे पास दिया है, थर्ड पार्ट है इसका माइनस का 5/10, फिर प्लस 9/7, फिर उसके बाद है प्लस 3/20 प्लस माइनस का 11/14, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देख रहे हैं अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं तो हम इनके एलसीएम ले लेते हैं 10, 7, 20, 14 एलसीएम लेते हैं पहले 10 का। अगर एलसीएम देखो पहले 2 से कर लेते हैं हम, या तो इसको 2 से करोगे 25 जा 10, 7 ऐसे रहेगा 210 जा 20 और 27 जा 14, उसके बाद हम इसे फिर से 2 से करते हैं 5 ऐसे रहेगा 7 ऐसे रहेगा 25 जा 10 और 7 ऐसे, जो जिसके टेबल में नहीं आएगा उसको एज इट इज लिख देना। फिर उसके बाद इसको 5 से कर लेते हैं 51 जा 5, फिर 7 ऐसे 1 ऐसे और 7 भी ऐसे, फिर 7 से करते हैं 71 जा 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके पास 22 जा 4, 45 जा 20, 20 की 7 से करेंगे तो 140, यानी कि 140 जो है इन सभी के टेबल में आएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे एक लाइन खींच के 140। अब चेक करेंगे 10 के टेबल में 140, 10 के टेबल में 14 टाइम्स, तो 14 से यहाँ भी और यहाँ भी, 14 की 5 से करेंगे 14 5 जा माइनस 70, और 7 के टेबल में अगर हम चेक करें तो 7 2 जा 14, 20 टाइम्स जाएगा 20 से मल्टीप्लाई, 20 की करेंगे 9 से तो 180,
ठीक है स्टूडेंट्स। आगे 20 से चेक करेंगे तो 20 के 12 में जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 से यहाँ भी और यहाँ भी 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस माइनस जब दो साइन एक साथ है तो उन्हें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 14 के टेबल में जाएगा 10 टाइम्स, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 10 से, ठीक है, तो 11 10 जो हो जाएगा 110। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सेम वैल्यू को पहले ऐड कर लो, जैसे ये माइनस माइनस के हैं तो पहले इनको ऐड कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 110 और 70 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 180, माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ठीक, पहली चीज़। तो ऐसे ही इसमें ये प्लस प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 201 हो जाएगा, 180 में ऐड करोगे इतना 201 हो जाएगा और ये नीचे 140। उसके बाद इसमें से इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21/140, बड़ा 201 है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद 3 से या 7 से कर लो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 0 तो 3/20 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फिफ्थ का लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं कैसे करना है इसको। इसमें देखेंगे ये वैल्यू दी है, ये भी दी है, ये भी, और ये माइनस है, माइनस यहीं पे क्या कर देते हैं इसको हम कैंसिल, ठीक है। तो हमें 36, 8, 72 और इसका एलसीएम निकालना है। तो आप एक चीज़ सोचो कि 36 में भी 72 आता है, 8, 9 जा 72 होता है और 12, 6 जा 72, तो यानी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 72, ठीक है स्टूडेंट्स। 72 लाने के बाद 36 के टेबल में 72 आएगा 2 टाइम्स, तो 5, 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस 8 के टेबल में 9 टाइम्स, तो 9, 7 जा 63, प्लस माइनस माइनस 72, 1 जा 72, तो ये प्लस का प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर ये प्लस बचा था क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गए थे, और 12 के टेबल में 72 6 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 6, 3 जा 18, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 18 में आप 10 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 28, फिर माइनस 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 क्या ऐड कर लोगे तो माइनस का हो जाएगा 69 अपॉन में आ जाएगा 72, माइनस माइनस प्लस होता है, 69 में से 28 माइनस कर लो, ये 1 बचेगा और ये 4, तो माइनस का 41/72, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर सिक्स बचा है उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 4x = 1/5 और y = 3/7, वेरीफाई ये करना है दिस इक्वल टू दिस। ये वेरीफाई क्वेश्चन जो होते हैं ना ये हमेशा ट्रू होते हैं, तो इसको वेरीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले इसका LHS पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस x प्लस वाई दिया है आपको, x की वैल्यू दी है 1/5 और y की वैल्यू दी है कितनी आपके पास 3/7। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 7, 5 जा 35 हो जाएगा, 5 के टेबल में 35 जाएगा 7 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, 7, 1 जा 7 और 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स ऊपर नीचे, तो 5, 3 जा 15 ऐड करोगे, 15 और 7 हो जाएगा 22, तो माइनस का 22/35, ये आपका LHS आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस मैंने ये वाला लगाया बार वाला। उसके बाद इसका RHS पार्ट लेंगे, RHS पार्ट है इसका माइनस ऑफ एक्स फिर प्लस माइनस ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू अगर देखेंगे हमारे पास है 1/5, तो माइनस का 1/5 फिर प्लस माइनस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/7। पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस का प्लस माइनस माइनस और 3/7, फिर वही पहले की तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे 7 और 5 का कितना हो जाएगा 35 और 5 के टेबल में 35 जाएगा 7 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, 7, 1 जा 7 फिर माइनस 7 के टेबल में 35 कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 से यहाँ भी 5 से यहाँ भी, तो 5, 3 जा 15, तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 22/35। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी इसके मैं समझा देता हूँ, देखते हैं बोर्ड पे, इजी है। इसके ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, -2/3 -2/-3 इज द एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। आपको इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है। देखो पहली चीज, आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो यहाँ पे देखो -2/3 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है क्या ये है। पहली बात तो ये होता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर वैल्यू प्लस है तो उसे माइनस बना दो, माइनस है तो उसे प्लस कर देंगे। तो देखो 2/3 दी है तो इसका आंसर एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, माइनस का 2/3 होना चाहिए इसका एडिटिव इन्वर्स। तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये तो जैसा दिया है वैसा ही क्या दे रखा है, तो इसलिए ये क्या स्टेटमेंट जो आपको इसमें दिया है ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वाले पे बात करते हैं। सेकंड वाला ट्रू फॉल्स है कि 2/3 / 4/5 कह रहा है कि 2/3 + 4/5 जो भी सॉल्व करके आएगा वो रैशनल नंबर होगा। बिल्कुल होगा, ट्रू। ट्रू इसलिए क्योंकि दो रैशनल नंबर को हमने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ लिया, दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, तो इसलिए ट्रू। थर्ड है, थर्ड आपको दिया माइनस का 5/3 + 5/3। इसको सॉल्व करके कह रहा है कि इज इक्वल टू जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा क्योंकि देखो -5/3 फिर प्लस माइनस, -5/3 ये नहीं, सॉरी जीरो नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। हाँ इसमें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो एलसीएम जब हम लेंगे इसका 3 आएगा, सेम नंबर है, और -5 और -5 ऐड हो जाएंगे तो -10/3। तो कह रहे हैं कि इसमें बताओ क्या दोनों का प्लस करने पर जीरो आएगा, तो इसलिए फॉल्स नहीं आएगा क्योंकि आंसर -10/ कितना आ रहा है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे अब इसमें। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको साथ साथ सॉल्व भी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ है कह रहा है कि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है खुद की, जैसे आइडेंटिटी मतलब वही नंबर रिपीट होना। जैसे अगर आप कोई नंबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन है, एडिशन में अगर आप देखो वन जो है ना, अगर आप किसी नंबर में प्लस करोगे या जीरो में प्लस करोगे तो वापस आपको क्या मिलने वाला है, वन ही मिलेगा, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ये वन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ एडिशन में। ठीक है, और उसके बाद है फिफ्थ, फिफ्थ आपके पास -9/7 में आप जीरो ऐड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा। अब किसी नंबर में आपको पता है जीरो मतलब कुछ नहीं, किसी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो वापस क्या आएगा, वही नंबर आएगा ना, वही नंबर आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पे दिया है कितना, आपको दिया है उसने कि जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। किसी नंबर में अगर आप देखो इसको ऐसे, किसी नंबर में जीरो प्लस ऐड करोगे तो जीरो थोड़ा ना आएगा, तो आंसर तो उन्होंने जीरो दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। बट आना कितना चाहिए, -9/7 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -9/7, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर इसका है सिक्स्थ पार्ट है कि सिक्स्थ में कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज कितना होगा 3/5। देख लो -3/5 का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे, मैंने बोला ना जब कभी भी एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो वैल्यू अगर माइनस है तो प्लस साइन लगा देंगे और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, ये ट्रू है इसलिए ट्रू। और लास्ट है उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव, किसी रैशनल नंबर का अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव। बिल्कुल सही, अगर किसी रैशनल नंबर का है, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, तो इसलिए लास्ट वाला जो सेवन्थ है वो भी क्या होगा ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज की मेरी वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको डीएवी स्कूल वाले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या जिनको और भी जरूरत हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।